नमस्कार, मी सचिन मोरे, आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी। पाहूयाच्या काही सविस्तर बातम्या। काळीमा फासणारी धक्कादायक घटना नवी मुंबईतील खारघर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली आहे। सेक्टर 30 ओवेगाव येथे प्लॅस्टिक विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या बसीस कुमार जयभीम याला ट्रान्सपोर्ट मालक अली व त्याच्या साथीदारांनी बसीस याला रूममध्ये डांबून बेदम मारहाण करून रस्त्यावर टाकून दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे। 27 तारखेस बसीस कुमार खारघर सेक्टर 30 येथील सिटी व्ह्यू या सोसायटीसमोर आपली स्कूटी उभी करून गेला असता त्यानंतर अर्ध्या तासाने तो आपली स्कूटी नेण्याकरिता आला असता ट्रान्सपोर्ट मालक अली याने तू गाडीची बॅटरी चोरली आहेस असा आरोप करीत त्याला बंद खोलीमध्ये डांबून हातपाय बांधून बेदम मारहाण करून डोळ्यात मिरची पावडर आणि अंगावर डिझेल टाकले। याबाबतची तक्रार बसीसचा भाऊ रामू गौतम याने खारघर पोलीस ठाण्यात दाखल केली आहे। केंद्रा बँक आगे अलीगाव ऑपरेशन मतलब सिटी बिल्डिंग आहे, उधर स्कूटी खड़ा कर दिया था, उसमें चले गया बाथरूम करने, उसने आया स्कूटी में चाबी लगाया तो अली ने पकड़ के लेके गया बिल्डिंग के अंदर, उसको बांध के मारा वॉचमैन के रूम में, उसके बाद में उसके आँख में लाल मिर्ची भी डाल दिया और सर पे डीजल डाला, बोला तेरे को जिंदा जला दूंगा। उसके बाद में उसने बोला क्यों, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो बोला मेरा बैटरी चोरी किया, उसने बोला मैंने नहीं कुछ किया, उसको बहुत बोले बहुत मारे। उसको सुबह में हम लोग के पास कॉल आया, मेरे भाई को अली ने मारा, तो हम लोग लेके आए उधर से, उसके बाद में इधर एडमिट किए हॉस्पिटल में और पुलिस ने उधर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अपनी मांग है उसको अरेस्ट किया जाए, उसको सजा दिया जाए। जबरी मारहाण झालेल्या बसीसवर सध्या कळंबोली येथील MGM रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, मात्र या घटनेला 3 दिवस उलटूनही अद्यापही पोलिसांनी आरोपींना अटक केली नसल्याचे समजते। बाहर मारा तो भी आया, थोड़ा बैठी चोरी करने आया था, फिर अंदर ले गया हाथ पैर बांध के लोगों को गोली मारी अंदर में, फिर इसको बोली क्या कार्रवाई होगा उसको करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। 3 दिन 4 दिन हो गया मेरे को हॉस्पिटल में भर्ती। कैमेरामन विजय खराळकर सह अदिती ढवळे, जनादेश वृत्तवाहिनी करिता।